आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा को पुलिस सुरक्षा दिलवाने को लेकर हरियाणा के डीजीपी से सिफारिश की है। इस संबंध में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने डीजीपी प्रशांत अग्रवाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि सोनाली फोगाट की बेटी की उम्र सिर्फ 15 साल है और सोनाली के निधन के बाद उनकी बेटी ही उनकी सारी संपत्ति की वारिस है। ऐसे में सोनाली की बेटी को सुरक्षा मिलना जरूरी है। रेनू भाटिया ने कहा कि सोनाली की बेटी की सुरक्षा न केवल उनके परिवार की जिम्मेदारी है, बल्कि हरियाणा की बेटी होने के नाते हरियाणा पुलिस का भी यह दायित्व बनता है। ऐसे में जब तक सोनाली फोगाट केस की जांच चल रही है, तब तक उनकी बेटी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि जांच के लिए अलग अलग जगह आने जाने के कारण पुलिस का सोनाली की बेटी के साथ होना फिलहाल जरूरी है। जिस तरह से हम यशोधरा को रोज देखते हैं, वो बातचीत में अपनी मदर के इंसाफ की बात कर रही है, जिस संदर्भ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सीबीआई की जांच भी होगी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने भी गोवा के अध्यक्ष को कहा कि परिवार का पूरा सहयोग किया जाए और सारी बातें ये शुरुआती तौर पर ही हुई, उसी बात को ध्यान में रखते हुए कि यशोधरा अभी 15 साल की है, छोटी बच्ची है और जैसे उसकी मदर की हत्या हुई, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि यशोधरा की सुरक्षा का भी हमें ध्यान करना चाहिए, इस संदर्भ में डीजी को एक पत्र लिखा कि उस बेटी की सुरक्षा के ऊपर विचार किया जाए और उसको जैसे भी हो एक सुरक्षा कवच के तौर पर उसकी सुरक्षा की।